तो भाई आज हम बात करेंगे पिक्सार में जो टूल है ना उसके बारे में। तो ये मेरी पिक है, तो इस पर मैं आपको बताऊंगा तो पिक्सार टूल जो कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो दिख रहा है टूल इस पर क्लिक कर देगा। जो पहला उसमें ऑप्शन है क्रॉप, तो क्रॉप कैसे यूज करें तो आपको सबको पता ही होगा। तो हर एप्लीकेशन जो एडिटिंग का एप्लीकेशन है सब में मिल जाता है। ये सब उसके रेशियो है, उसके सब सब उसको यूज कर सकते हो। तो ऊपर जो ऑप्शन है यहाँ पे जो साइज आप रिसेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये फिल्मिंग जो मूवीज होती है उसकी साइज होती है। हम अगला ऑप्शन दो देखेंगे। अगला जो ऑप्शन है रिकॉर्ड जो पिक्सार्ट का नया फीचर से जो नया आया है, इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, आप जो देख सकते हो जाके। जो एरिया आपको लग रहा है तो ऑटोमेटिक क्रॉप कर लेता है, तो जो पीएनजी फॉर्मेट में एडिट हो जाता है। टाइम लग रहा है थोड़ा, तो आप देख सकते हो इसके लिए सुटेबल है। तो मैं आपको दूसरा एक यूट्यूब का जो लोग है उसके ऊपर थोड़ा एडिट करके बताऊँ। ये जो यूट्यूब के अंदर जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है प्ले बटन का, तो उसको मैं यूज़ करता हूँ, देख सकते हो इसका जो PNG बन चुका है। आप तो ऊपर जो दिल का आइकॉन दिख रहा है उसे आप फ्लिपकार्ट के ऊपर सेव कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट कहाँ से होगा आपको बता देता हूँ। नीचे जब आओगे आप तो फ्लिपकार्ट करके ऑप्शन होगा, उधर जो मेरे जो फ्लिपकार्ट है माई स्टिकर से सॉरी, तो सब होंगे उधर से। उधर जो पिल है शेप क्रॉप, उसमें जो शेप होते हैं उसमें क्रॉप हो जाता है, देख सकते हैं। उसमें जो जो तिल का आइकन है इसमें भी मिलता है। ड्रॉ में जाके उसको बैकग्राउंड में कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए उस जगह जो दूसरा एरिया चाहिए आपको, तो वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। आप जो बालों को वॉल्यूम कर सकते हो, देख सकते हो में ऊपर का जो बॉक्स है ब्रश ऑप्शन है यूज करके कर सकते हो। तो जो ऑप्शन है स्क्रोलिंग है, स्क्रोलिंग टाइप का थोड़ा उसके जो इस ऑप्शन है कुछ भी चूज कर आप छोटी बड़ी कर सकते हो, कुछ के साथ बड़ी छोटी है तो उससे तो आप कर सकते हो। लास्ट का जो ऑप्शन है रिस्टोर का, जो भी आपके थोड़ी गलतियाँ हो गई ज़्यादा कुछ ज़्यादा होगा तो उससे आप कर सकते हो। स्पेशली पाँच जो ऑप्शन है उसके लिए है। मोशन ऑप्शन ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, तो उसके बाद किसी चीज़ को मोशन में डालना चाहते हो तो यूज कर सकते हो इसको। फिर आपको स्क्रीन ऐड के फिर फिल्टर फिल जाते हैं। अगला जो ऑप्शन है सेलेक्ट
एरिया सेलेक्ट करो तो उतना ही एरिया से अब जो भी एडिट कर सकते हैं साथ थोड़ा सेपरेट अलग दिख जाएगा उसका एरिया तो भी थोड़ी खराब है इसलिए मेरा थोड़ा हालत भी खराब थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मतलब अच्छा लगता है इसका जो ताकत पता है अगर थोड़ा ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं उसका जो साइड में थोड़ा ऑप्शन है रेड ग्रीन वाला जो दिखता है उससे जो सुंदर ज़्यादा रेड होता है आपको जो रेड स्पॉट चाहिए कलर में फोटोज में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ड्रम का थोड़ा दिख रहा है कौन सब जो स्पेसिफिक ऑप्शन है जो रेड वाला या कौन सा तो आप डिलीट कर सकते हो तो जो उसमें चेंजेस किया आपने तो आप लोग ऑप्शन हो तो उसमें मेरी कर हो जा रही थी वीडियो तो उसके मैंने दूसरी वीडियो ज्वाइन कर लिया उसमें तो दूसरा जो है जस्ट मैं ये तो मैं सबसे आगे यूज कर लेता हूँ फोटो को थोड़ा गोरा गिरा करने के लिए यूज कर सकते हैं नीचे जो ऑप्शन था इनवर्ट्स का था इनवर्ट्स प्रो मैक्स से पूरा जो अपने चेंजेस के मतलब क्लियर हो जाएंगे ऊपर जो मैं क्लिक कर रहा हूँ उससे आपने जो भी चेंजेस किए वो देख सकते हैं आपको क्या क्या फोटो में चेंजेस हैं सभी ऑप्शन ये सब ऑप्शन आपको इफेक्ट्स में आके कलर्स में जितने ऑप्शन है सब आप उसमें देख सकते हो कुछ ऑप्शन नए होंगे तो आप कैसे भी उसको तीन चार जो इफेक्ट डाल के आप वैसे कर सकते हो ये जो ऑप्शन है क्लैरिटी उसमें जो आया है कि फोटोशॉप में यूज होता है ज़्यादातर इसमें तो इतना यूज नहीं है सैचुरेशन है तीन ज़्यादा फोटो एडिटिंग है एक सेट में मिल जाता है आपको ऑप्शन ही फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज होता है लेकिन ऑप्शन है ऐसे भी मेरे को सकते हैं Welcome to our world where the sun stays up never enough man I had it with rain so give me the sunshine send me with good rains give me those one time memories of young living cause I wanna remain under the watchful eye everybody says I should give in welcome to my life आपको जो एडिट कर रहा हूँ उससे आप समझ भी चुके होंगे इसका जो ऑप्शन यूज है आपको ऊपर जो क्रॉस करके जा रहा है आप जो भी चेंजेस किए उससे डिलीट हो जाते हैं तो आप रहे रिसर्च फोटो को रिसर्च कर सकते हैं आप इसकी थोड़ी एम बी कम हो जाएंगी क्लैरिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी आप थोड़ी बढ़ा देखो ये ऑप्शन फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज होता है मैं इसको 4000 कर देता हूँ देखना 3 MB का जो फोटो होगा 3 MB का फोटो नहीं तो सो इसलिए वो 4000 में रिसर्च में आ रहा था जो ऑप्शन है रिपोर्टेड तो आपको पता है कैसे भी एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है तो उसमें आपको ये मिल जाता है ऐसा करता हूँ आपको ये अच्छा लगे ना तो लाइक करो शेयर करो जो भी नए जो आप फ्रेंड्स आ रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं जो नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करो अच्छा है तो मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हो इससे तो अच्छे ही होंगे वीडियो थोड़ा बीमार हो तो कुछ दिनों से डाला नहीं तो इसलिए उसे डाल देता हूँ धन्यवाद।